अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और दुआ करती हूँ अल्लाह ताला आपको भी अपने अपने घरों में खुशहाल रखे, आपके दस्तरखान सजे रहें और रमज़ान में आपके घरों पे मेरे समेत रहमतों का नज़ूल होता रहे। तो ये मैं कल बारिश हुई थी बहुत, तो मैं वही देख रही थी कि अभी बाहर का मौसम कैसा, हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। तो मैं रमज़ान की रूटीन सुबह से आपके साथ शेयर नहीं कर पाई, तो मैंने कहा आज मैं सुबह की रूटीन ज़रा शेयर कर दूं। रोज़ा भी होता है लेकिन घर के काम उतने ही होते हैं, बस सफाइयां ही नहीं ख़त्म होती, बस बच्चे जहां बैठेंगे वहां से उठेंगे तो पता चलेगा भोंचाल आ गया है वहां पे, तो ऐसे ही सारा दिन गुजर जाता है, ना रात का पता ना सुबह का पता। बच्चे सहरी तक जागते रहते हैं और फिर सहरी करके तो फिर सोते हैं। तो ये मैं सुबह सुबह सफाई पे लगी हुई थी क्योंकि दो दिन से मैंने सही तरीके से प्रॉपर सफाई नहीं की थी, तो आज मैंने बारीकी के साथ सारी सफाई की झाड़ पूछ करके, क्योंकि चटाई के ऊपर कालीन के ऊपर बहुत मिट्टी गर्द उगा हुआ था, आज सब कुछ झाड़ा है मैंने। काफ़ी थक गई थी आज मैं, रोज़ा भी था, तो बस अल्लाह ताला हिम्मत देता है। वो कहते हैं कि शुरू में होता है लेकिन रूटीन का हिस्सा बन जाता है। आज माशाल्लाह काफ़ी दिन को हो गए हैं तो अब तो आदत ही होगी है रोज़े की भी। जब रोज़े अभी शुरू में आते हैं, जब जाने लगते हैं तो यकीन करो रोना आ जाता है, ऐसे जैसे पता नहीं क्या होने लगा है, तो इतनी आदत हो जाती है। तो अल्लाह ताला ये रहमतें बरकतें हमारे लिए जारी रखे। तो किचन की मैं सफाई कर रही हूँ, किचन की सफाई मैं सुबह करती हूँ तो जब अफ्तारी का टाइम होता है दोबारा से काम स्टार्ट होता है तो ऐसे लगता है यहाँ की सफाई तो हुई नहीं थी। तो बस ऐसे ही सारा दिन, बस औरतों का तो काम ही यही है, किचन को संवार संवार के रखती हैं, थोड़ी देर बाद फिर वही होती है, बस ऐसे ही दिन गुजर जाता है। ये मिर्चें काफ़ी सारी इकट्ठी हुई थी तो मैंने कहा चलो आज इनको धो के ना ड्राई करके तो अच्छे तरीके से रखो, क्योंकि किसी टाइम सब्ज़ मिर्च मिलती नहीं है जब ज़रूरत हो, तो मैंने कहा इसको खुशक करके ना ताकि ये ख़राब ना हो। इतनी देर में आयजा भी उठ के आ गए, बेचारी को तो होश ही नहीं होता उठने के बाद भी बोलने में नहीं होता है, सिर्फ देखिए मैं इसके ऊपर कैमरा रख रही हूँ लेकिन ये कुछ नहीं बोल रही, नहीं तो इसका तो चुप ही नहीं होती। तो अब मेरे कमरे की बारी आई है, वहाँ से भी समेट रही हूँ सब कुछ। ये भी मौसम तो काफ़ी गर्म हो गया लेकिन बच्चे पंखा भी लगाते हैं और ब्लैंकेट भी लेते हैं, आयजा का भी यही हिसाब है। तो अभी मैं चादर वगैरह ठीक करके ब्लैंकेट फोल्ड करके रखूँगी। हाँ इतने तकिए हैं ना घर में तो बार, लेकिन फिर भी कोई खुश नहीं होता, तकियों पर ही लड़ते रहते हैं कि ये मेरा तकिया नहीं है, ये मेरा तकिया। नासिर का भी यही हाल है और मोइस का भी, बदलते रहेंगे ये मेरा तकिया ये मेरा तकिया। तो मैंने इतने ज़्यादा एक्स्ट्रा तकिए रखे हुए हैं कि जिस पे सुकून आ जाए लेट जाए। साथ साथ मैं ये देखिए मैं अपना ज़ख्म जो मेरा जल गया था वो मैं दिखा रही हूँ आपको, कि उस दिन ऑयल ऊपर गिर गया था थोड़ा सा, तो इतना पता नहीं चला लेकिन वह 2 घंटे बाद पता चला कि हाँ भाई कुछ हुआ है। उस टाइम तो बंदा काम कर करके वो हुआ होता है, एहसास ही नहीं होता बंदे को, लेकिन मानो ये बड़ी तकलीफ दे रहा था मुझे। तो डस्टिंग कर रही हूँ, आजकल बारिश हवा और तूफान का कुछ पता नहीं चलता किस टाइम आए, तो थोड़ा सा वो होता है ताकि घर बंद भी होता है फिर भी सारा घर गर्द से भर जाता है और फिर बस डस्टिंग वगैरह करनी पड़ती है, वरना तो फिर बुरा हाल हो जाता है घर का। झाड़ू मैंने निकाल दिया था तो अब मैं सारी डस्टिंग कर रही हूँ। दरवाज़ों की किनारियों के ऊपर बहुत मिट्टी जम जाती है तो मैं आज अच्छे तरीके से इसको साफ़ कर रही हूँ।
नहीं, आयजा भी कपड़ा लेके ना शुरू हो गई कि मामा मैं भी डस्टिंग करूँगी। मैंने कहा अच्छा बेटा कर लो, उठा हो ना सो के बच्चा, तो उसको किसी बात से मना करो ना, फिर बच्चों का मूड ख़राब हो जाता है। मैंने कहा सुबह सुबह का टाइम है तो इसका जो दिल कर रहा है ये कर ले। कह रही मैं बहुत अच्छे से मामा डस्टिंग करूँगी, आपने ठीक नहीं की। मैंने कहा ओके बेटा आप कर लो, आप तो बहुत अच्छी करती हो। तो फिर उसके मैंने कपड़े वगैरह प्रेस किए कि अब चैन करके पॉनिश होने की है। आज मैं थोड़ा सा मीठा बना रही थी, कस्टर्ड विद कस्टर्ड आज बना रही थी साबुदाने के साथ। मैंने कहा उसका शेक सा बनाऊंगी, बच्चे खुश हो जाते हैं, तो वही मैंने दूध रखा है और कस्टर्ड बना रही हूँ। कस्टर्ड थोड़ा सा कम था, फिर मैंने दूसरा फ्लेवर भी साथ ही शामिल कर दिया था, तो दोनों को मिला के मैंने कस्टर्ड बनाया। रोज़े के बाद रात को तकरीबन 11-12 बजते हैं तो सबका दिल करता है कोई चीज़ खाई जाए, तो मैं कुछ ना कुछ बना के फ्रिज में रख देती हूँ कि जब इनका मूड होगा तो खाया लेंगे। बाकी आज मैंने आलू गोश्त बनाया था लेकिन मैं उसकी वीडियो नहीं बना सकी। इंशाल्लाह फिर कभी आपके साथ शेयर करूँगी कि आजकल बच्चियों को मुख्तलिफ चीज़ें ईजी वे में बताओ तो वो खुश होकर जल्दी बनाती हैं, वरना डर ही जाती हैं कि यार इतना मुश्किल काम पूरा दिन किचन में गुजारें। तो ऐसी कोई बात नहीं है, खाना बनाना बिल्कुल सिंपल है, उसको सिंपल तरीके से लो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो मेरी रेसिपी ज़रूर फॉलो किया करें, ख़ासकर बच्चियों के लिए, तो उनको इंजॉय करेंगी कि इतनी जल्दी खाना तैयार। खाना कुकिंग तो रोज़ का काम है, तो उसको इस तरीके से इजी बनाना चाहिए कि बाकी सारे काम भी हो जाएं। अगर हम 10 घंटे लगा के बच्चों को यही समझाते रहें ऐसे कर लो ऐसे कर लो, तो वो डर जाती हैं कि पूरा टाइम यहीं हम लगे रहे। ये साथ मैंने जेली भी थोड़ी सी बना ली है रेड और ग्रीन कलर में, ग्रीन आयजा को पसंद था तो मैंने ये ज़रा ज़्यादा बना लिया। अब मैं इसको ठंडा करके फ्रिज में रख दूँगी तो बाद में इसकी प्रिपरेशन कर लूँगी। इजाज़त।